हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो जैसे कि आपको पता है, ESIC MTS का रिजल्ट आ गया है मेंस का। तो मेरा स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मेरा है पंजाब में, मेरा रैंक है 6th और मेरे कैटेगरी है अनरिजर्व। अगर अनरिजर्व के अकॉर्डिंग देखें तो मेरा रैंक है 4th और दीज आर माई मार्क्स इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस। और बात यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना MTS मेंस के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग डाउट है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कम स्टूडेंट्स को आउट किया है, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर दिया है। बट आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, जिनका क्वालिफाई हुआ है दैट डजंट मीन कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको रैंकिंग वाइज देखो, यहाँ पे कैटेगरीज भी मेंशन है, प्रॉपर आपको वैकेंसीज भी बताएं आपके स्टेट की कितनी है, तो आप काउंट करके इजिली चेक कर सकते हो कि वेदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। तो जस्ट इससे चीज से खुश मत हो कि आपका लिस्ट में नाम आ गए। लिस्ट में तो नाम मिनिमम क्वालिफाइंग पे भी आ गया है। आपको चेक करना है वैकेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग कि आपका उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप उस रेंज में स्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। शायद वेटिंग लिस्ट भी बनती है बाद में थोड़ी सी, बट उसमें कम चांसेस ही होते हैं, मतलब कम स्टूडेंट्स को ही चांस मिलेगा। अगर आपका 10 या 12 रैंक्स ज्यादा है उससे तो भी पॉसिबल है, बट अगर आप लिस्ट में बहुत ज्यादा पीछे हो तो आप इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर कुछ होगा तो आपको पता लग ही जाएगा, तो आप फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। और अगर इन केस आपका, जैसे मेरा भी हो गया है इसमें, अगर सिलेक्शन हो भी गया है तो हमें इसी पोस्ट पे तो स्टिक रहना नहीं है, हमें फर्दर अपनी और अच्छी प्रिपरेशन करनी है। तो वो भी एक तरफ सिक्योर तो हो गए हैं कि उन्हें जॉब मिल जाएगी इजिली। अभी टाइम लगेगा सारे प्रोसेसेस को, जब भी कोई और अपडेट होगा वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी यही टाइम है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज फर्दर लाइंड अप है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कोई अपडेट मिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पर्सनली, तो मैं आपको चैनल पे जरूर अपडेट करके बता दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।